हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अब आप देख सकते हो कि मैं फाइनली काठमांडू आ गया और काठमांडू के इसी होटल में मैं रुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट, बार एंड क्लब्स हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये एक बड़ा पुल है जो बड़े बच्चों, बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए, और इसके साथ ही देखिए इसकी कनेक्टिविटी छोटे बच्चों के पूल के साथ है, जिसमें लगभग 2 फीट के बच्चे, 1.5 फीट के बच्चे डाइव कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 फीट से अबव के लिए अलाउ है। और इस पूल की जो डेप्थ है वो 5.5 फीट की है, तो 5.5 फीट की है। साथ ही मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बज रहा है जो आपके माइंड को रिफ्रेश करेगा, और आपको इतने लंबे ट्रैवल के बाद जो भी थकान होती है, आई बिलीव कि अगर आप इस होटल में आते हैं तो वो थकान आपको पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आते हैं और आपका बजट अलाउ करता है तो आप ज़रूर इस होटल में रुक सकते हैं। मेरे साथ ही मिस्टर विवेक राय भी हैं। विवेक जी, वेकअप, आई थिंक ये काफ़ी रिलैक्स मोड में है। इज सच अ नाइस गाय एंड आई वुड लाइक टू गिव स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर विवेक राय। ही इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड। सो हम लोग इस वीडियो को बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं, ये मोमेंट बहुत खूबसूरत है। आई सजेस्ट यू कि अगर आप फ्यूचर में यहाँ आना चाहें और बजट अलाउ करें तो आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर कई सारे क्लब, होटल और कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप पीसफुली इन्जॉय करें, और बने रहे हमारे साथ। लगता है विवेक भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं और वो बहुत ही थके हुए मोड में दिख रहे हैं, बट रियली नाइस, थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ, अभिषेक द ब्लॉगर।